इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपने ओपन किया है, राज्यों को आमंत्रित किया है, उसको हटाइए, आप पुनः डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। जब तक आंदोलन नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, डोमिसाइल नीति लागू होने तक आंदोलन करते रहेंगे। हम लोग 4 साल से आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न कंसंट्रेट हो पा रहे हैं पढ़ाई में, न किसी तरह की व्यवस्था हमको मिल रही है। हमसे सरकार से यही माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी से निवेदन है कि पुनः डोमिसाइल नीति को लागू करें। कि हमारी डोमिसाइल नीति बिहार को लागू कीजिए, नहीं तो हम लोग झुकेंगे नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए नीति के खिलाफ कहीं ना कहीं सड़क पर अब छात्र उतरने शुरू हो गए हैं। वहीं शिक्षक नियमावली में बदलाव को लेकर अब सभी तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अब एकजुटता दिखाने लगे हैं। और यहाँ अगर बात करें तो पटना का ये गांधी मैदान है जहाँ पे उन्होंने एक उग्र आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, और यहाँ से राजभवन की ओर आज इनको मार्च करना था, जिसको कि गांधी मैदान की पुलिस द्वारा यही गांधी मैदान में जोड़ दिया। आप साफ तौर पे नज़ारा पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे जो अभ्यर्थी छात्र हैं वो यहाँ एकजुट हैं, और तमाम जो है सरकार के खिलाफ डोमिसाइल नीति को वापस लाने की मांग को लेकर यहाँ पर एकजुट है। हम कुछ छात्रों से बात करें, कुछ अभ्यर्थियों से बात करें। हाँ, डोमिसाइल नीति 170,000 से योग्य बहाली की गई, डोमिसाइल नीति ला कर और फिर हटाया गया, पूरे बिहार अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा और षड्यंत्र है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपने ओपन किया है, राज्यों को आमंत्रित किया है, उसको हटाइए, आप पुनः डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। जब तक आंदोलन नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, डोमिसाइल नीति लागू होने तक आंदोलन करते रहेंगे। निश्चित रूप से ये बिल्कुल छात्र अभी साथ बहुत बड़ा धोखा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि डोमिसाइल नीति को पुनः लाया जाए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप साफ तौर पर नज़ारा देख सकते हैं, ये पटना का गांधी मैदान है जहाँ पे तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पे एकजुट हो गए हैं और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या हुआ और क्यों हम लोग बैठे हुए हैं कि डोमिसाइल नीति पूर्व के भांति लागू करें। जिस तरह से हम लोग 4 साल से आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न कंसंट्रेट हो पा रहे हैं पढ़ाई में, न किसी तरह की व्यवस्था हमको मिल रही है। हमसे सरकार से यही माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी से निवेदन है कि पुनः डोमिसाइल नीति को लागू करें। तो जाहिर सी बात है, ये सरकार जी से मिलने जा रहे हैं कि हमारी डोमिसाइल नीति बिहार को लागू कीजिए, नहीं तो हम लोग झुकेंगे नहीं किसी भी। आपका पीएम बनने का सपना है लेकिन हमें मजदूर का सपना नहीं देखा है। हम नौकरी में जाएंगे, बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों मुसलमान उच्च वर्गों के गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हैं। पुलिस प्रशासन से बैर नहीं है, पुलिस प्रशासन मेरे भाई है और उनसे न लड़ाई है, और पे कुछ होते हैं छात्रों पे तो सरकार की जिम्मेदारी होगी, अगर लाठी चलती है तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। शिक्षा मंत्री कहते हैं बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सहित संबंधित अधिकारियों से ये अपनी मांगों को वापस करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे फिर से एक बार एकजुट होने शुरू हो गए हैं, ऐसे में अगर देखें तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल नीति को वापस करने की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी छात्र यहां उग्र होते नजर आ रहे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।